ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आप काम कर रहे थे प्रोस्टिट्यूशन में जो लड़कियों को अवैध तरीके से लाया जाता है इलीगल तरीके से लाया जाता है जी। उस पर जब आप काम कर रहे थे तो बहुत सारी गर्ल्स ने तो जो भी एनजीओ मुझे खबर देती थी कि ब्रोथल के ऊपर लड़की है उसको रेस्क्यू कराना है तो एनजीओ के साथ उनकी कार में बैठी चुप करके जाके जेबी रोड पहुंच गई वहां पहुंचने के बाद जब ब्रोथल के गेट के ऊपर खड़ी हो जाती थी तो आपको भगवान की तरह मानने लग गए आपकी पूजा करने लगे आपके आपका फोटोग्राफ मंदिर में लगाने लग गए नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं वो कहते हैं ना कि वो पथ क्या प्रतीक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो पानी की दिशा में तो हर व्यक्ति आसानी से तैर जाता है लेकिन असली तैराक की तैराकी का अनुभव तब पता लगता है जब पानी की विपरीत दिशा में तैरता है आज हमारे स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट है एसी पी सुरेंद्रजीत कौर जी जो दिल्ली पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं जिनसे उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए और कैसे उन चैलेंजेस को पार करके उन्होंने अपनी लाइफ में सफलता हासिल की तो मैम सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी नमस्कार थैंक यू वेरी मच जी तो मैम कहते हैं ना कि बॉयज़ के लिए बहुत आसान होता है जिस समय पर आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया उस समय पर बड़ा चैलेंजिंग रहता हुआ गर्ल्स के लिए क्योंकि ये माना जाता था कि हमारा जो पूरी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए थे और कैसे ये आपके माइंड में आया कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में और अपना पेरेंटल बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा बताएँ बताना चाहूँगी कि मैं गुरदासपुर पंजाब में जो एक छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर उसमें एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुई थी फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे तो यही था कि मदर को भी बच्चों के साथ दिल्ली में आना पड़ा तीन महीने की थी मैं तो मेरे को दिल्ली ले आए दिल्ली ला कर पर परवरिश जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की परवरिश शुरू होती है वैसे परवरिश हम लोगों की हुई क्योंकि मेन हम चार बहनें हैं और दो भाई हैं और उन सब एक कांस्टेबल के लिए एक आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल परिवार को पालना कितना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कम सैलरी होती है उसमें परवरिश हम लोगों की चल रही थी जो भी दाल रोटी का जुगाड़ होता है वो पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे थे और एजुकेशन भी सरकारी स्कूलों में उस टाइम पेरेंट्स जो है बच्चों को थोड़ा बहुत एजुकेशन देते थे खासतौर से लड़कियों को जो मैं ये मानती हूँ कि बहुत कम एजुकेशन ले पाती थी हार्डली एट्थ ट्वेल्थ करा के और जो है शादियाँ कर दी जाती हाँ, है ज़्यादातर तो पहले ट्रेंड भी यही था कि ठीक है बेटी ने ट्वेल्थ पास कर लिया उसकी शादी कर जी क्योंकि ऑलमोस्ट uh, अगर मैं फिफ्टी ईयर पहले की बात करूँ तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तो लड़कियों का यही होता था कि लड़के घर से जाके बाहर पढ़ेंगे लिखेंगे कोई जॉब करेंगे और लड़कियाँ जो हैं वो घर के कामों में निपुण होनी चाहिए ताकि वो अपने ससुराल को अच्छे से संभाल सकें यही सारा उन लोगों का रहता था तो मेरे साथ भी यही था कि

क्योंकि मैं दिल्ली में हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ाई होती थी सारी चीजें सब्जेक्ट सारे हिंदी हिंदी में थे और पंजाब में एकदम आपको स्विच करना पड़ा पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर और पंजाबी लैंग्वेज का अल्फाबेट भी नहीं मुझे आता था जैसे अच्छा, पंजाब में तो बाकी सब्जेक्ट भी पंजाबी में ही होते हैं जी आपने जी सब जी था जी था सारे जी जी सारे सब्जेक्ट वहाँ हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो पंजाबी में होते हैं यहाँ क्या था कि दिल्ली में रोशनी के नाम पर उस टाइम लाइट्स वगैरह थी लेकिन जब मैंने पंजाब शिफ्ट किया तो पंजाब में दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ा मेरे ननिहाल में मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया गया जाकर नए सिरे से मैंने अल्फाबेट सीखे और इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे कि मुझे एक मेरे लिए चैलेंज हो गया पंजाब तो में उस टाइम बोर्ड करता था एट्थ क्लास दिल्ली में भी एट्थ टेंथ और ट्वेल्थ जो था ये बोर्ड हुआ करता था तो पंजाब में भी बोर्ड था तो मैंने पंजाब बोर्ड को टॉप किया क्योंकि मतलब एक तरफ तो आपको बेसिक भी नहीं आ पा रहा है और एक तरफ आपने प्रयास करके, करके करके। वो पूरा कवर आपने टॉप किया जी जी टॉप किया टॉप करने के बाद तो फिर मुझे जैसे कहते हैं ना एक हिम्मत आ जाना जी। और ये भी लगा कि अब तीन लैंग्वेज पे कमांड हो गई है कि आप हिंदी भी बोल सकते हैं आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है और पंजाबी आपका एक तो मदर लैंग्वेज थी तो बाद में लिखना पढ़ना भी आ गया तो एक बहुत ही वो दिल को अच्छा हो गया कि आप और आगे बढ़ सकते हैं तो मैंने फिर नाइन्थ में पेरेंट्स को फिर रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि नहीं हाँ तो गुजारा नहीं है मुझे वापस दिल्ली आप पढ़ने के लिए लेके जाए तो फिर मेरे फादर ने दोबारा फैमिली को दिल्ली शिफ्ट करवा पाया अब बड़ी सिस्टर की क्योंकि हायर सेकेंडरी करते ही शादी हो गई तो उनको ये था कि मुझे मेरी भी शादी जो है ट्वेल्थ पास करते ही जो है रिश्ते देखने शुरू कर दिए तो मैंने कहा कि मुझे तो पढ़ाई करनी है और मैं क्योंकि फादर को यूनिफॉर्म में देखती थी उधर से किरण बेदी मैम को टी पर यूनिफॉर्म में देखती थी तो मन में था कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना और है। वैसे भी लेडीज़ में दिल्ली पुलिस को लेकर अगर हम देखें तो किरण बेदी एक रोल मॉडल रोल मॉडल रही है और मेरी तो मैंटोर रही है उनको क्योंकि मैं टी वी देखती थी तो बहुत खुश होती थी उनको यूनिफॉर्म में देख के तो मुझे ये लगता था कि मुझे भी ऐसा ही बनना है इनकी तरह बनना है तो उसके लिए मैं लेकिन छोटे रैंक पर नहीं आना चाहती थी मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं कांस्टेबल बनूँ मेरा मन था कि मैं कम से कम सब इंस्पेक्टर तो एटलीस्ट मैं जरूर आऊँ दिल्ली पुलिस में अगर आना ही है मुझे तो अब पेरेंट्स पढ़ाई कराने को तैयार नहीं मेरे और मैंने आप यकीन नहीं करेंगे आठ दिन तक मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ी घर में अपने इस बात को लेकर लड़ाई मैंने कहा कि मुझे हर हालत में कॉलेज में जाना है तो वो कहने लगे कि हम तो भाई शादी करनी है बड़ी लड़की की शादी होगी अब तुम्हारी भी शादी का नंबर है तो आगे नहीं पढ़ा सकते अब आप अपना शादी का देखो ये मत देखो कि घर के कामों में निपुण होने की कोशिश करो आगे की पढ़ाई नहीं होगी लेकिन वो मेरी जिद के आगे पेरेंट्स को लास्ट में फिर हार माननी पड़ी और मुझे फिर उन्होंने लेकिन एडमिशन तो दिलाया लेकिन ये साथ शर्त रख दी कि कॉलेज नहीं भेजेंगे कॉरस्पॉन्डेंट्स से सिर्फ एग्ज़ाम दिलवाएंगे तो इसका मतलब मैंने आपके लिए ठीक स्टेटमेंट कहा था कि की वो पथ क्या प्रतीक कुशलता क्या जी जी की धैर्य परीक्षा क्या धाराएं प्रतिकूल ना हो जी मतलब एक सिस्टर की शादी हो गई

पेरेंट्स को ना कहना पड़े मैं अपने खर्चे खुद निकाल सकूं तो मैंने लिफाफे भी बनाने शुरू किए ताकि मैं, मैं और पेरेंट्स से चोरी ताकि पेरेंट्स की ईगो हर्ट ना हो उनको लगे ना कि बेटी ये क्या काम कर है? बेटी काम कर 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 रही 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 है 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 कहीं ऐसा नहीं नहीं कि कि वो दिखाना चाहती मैं मेहनत तभी कुछ या पेरेंट्स सपोर्ट अब साथ में क्या था ना कि दूसरी भी दो सिस्टर्स थी भाई थे छोटे तो मुझे ये लगता था कि मैं बाकी भाई बहनों को भी थोड़ा हेल्प कर पाऊंगी क्योंकि अगर मैं कुछ बन जाऊंगी तो मैं आगे इनके लिए भी लड़ाई कर पाऊंगी और फिर क्या हुआ था कि ग्रेजुएशन करते करते जब मैं दिल्ली पुलिस में आ तो बड़ी सिस्टर विडो हो गई तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं नहीं मेहनत करूँगी नहीं मैं कहीं कुछ स्टैंड करूँगी तो मैं इन भाई बहनों को भी मैं आगे कोई स्टैंड नहीं दे पाऊँगी इनको भी पेरेंट्स फिर इनकी भी शादी जल्दी जल्दी करने की बात करेंगे अब ये था कि पढ़ाई तो कम्प्लीट होगी अब आगे था कि भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करें अपनी तो यू से मैंने जो है वो स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम दिया और एसएससी के थ्रू जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ दोनों अपॉइंटमेंट लेटर इकट्ठे आगे अच्छा मतलब दोनों तरफ सिलेक्शन हो गया हाँ दोनों तरफ भी आपने एग्जाम दिया वो आपका सिलेक्शन हो गया जी जी तो लेकिन ये था कि प्रॉब्लम की क्योंकि फादर को ये नहीं बताया था कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया वो तो चाहते नहीं थे कि मैं पुलिस में आऊं बिल्कुल भी उस चीज को लेकर घर में फिर जद्दोजहद थी कि मैं चाहती थी मैं पुलिस में जाऊं फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि वो कांस्टेबल रैंक पे थे कांस्टेबल रैंक पर उन्होंने दिल्ली पुलिस के चैलेंजेस देखे थे फादर बिल्कुल चाहते नहीं थे फादर को ही लगता था कि लड़कियों को घर से बाहर उस टाइम माहौल नहीं था कि लड़कियों को घर से बाहर भेजा जाए फिर ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से उनको लगता था कि किस तरीके से जाएगी दिन रात की नौकरियां होती हैं अगर रात को बुलाया तो कैसे जाएगी कौन इसको लेके जाएगा मुझे पता है शुरू से ये लगता था मैंने कहा स्टेनोग्राफी में क्या होगा एक किसी बॉस के अंडर मुझे नौकरी मिल जाएगी स्टेनोग्राफी की एक शॉप मैं पी ए बन जाऊंगी उनकी जाऊंगी डिक्टेशन देंगे बॉस उनको लिखूंगी टाइप करूंगी लेके जाऊंगी दो चार गलतियां निकालेंगे फिर, वापिस ले फिर, फिर वापस लेके आऊंगी फिर दो करेक्शन करके फिर ले जाऊंगी इसके अलावा और कोई लाइफ आगे दिखाई नहीं देती थी और आप हमेशा चैलेंजिंग लाइफ फेस कर मुझे लगता था कि पुलिस, पुलिस में आके एक आपके पास पावर होगी आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे आपको इस तरीके से आप फिजिकली फिट होंगे और साथ में एक पावर के साथ जब आप ख़ासतौर से महिलाओं के लिए मेरा मन था कि जो चीज़ें उस टाइम मैं देखती थी फैमिलीज़ में फ़ेस करनी पड़ती थी लेडीज़ को एब्यूसि लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता था जो हस्बैंड अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो मार पिटाई कर रहे हैं वो सब चीज़ें मैं देखती थी स्ट्रेनोग्राफी की जॉब में मुझे लगता था कि एक गुमनाम जिंदगी की तरह से वो जिंदगी रहेगी तो इसलिए तो आपने एज अ इंस्पेक्टर मैंने बताया कि मेरे की डेथ हुई और मैंने पीछे तो लगता था कि ये मैंने जो एक्सेप्ट कर लिया है ये जो और जो मैंने जाके उनकी मर्जी के बिना ज्वाइन जो, कर लिया मेरे फादर इतना नाराज हुए मुझसे आकर के एक साल तक बात नहीं करी उन्होंने बात ना पर लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने जब ट्रेनिंग करके आ जाऊँगी तो अपने आप फादर मान जाएंगे उनको लगेगा कि नहीं अच्छा रैंकिंग इसको मिला है और ये ठीक इसकी हुई है तो अपने आप वो खुश हो जाएंगे तो ट्रेनिंग में ऐसे एक दिन का एक आपको बताऊं कि क्योंकि अब मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी आज से अगर मैं मेरी 38 साल जॉब हो चुकी है तो थोड़े से साल पहले तो बिल्कुल पूरा होल्ड तो जो है आज भी मान सकता है लेकिन बहुत कम हो चुकी, कम है, हो हो चुकी मन है मन में फीलिंग तो रहती है पर हाँ। बोल नहीं पाते हैं लेकिन 38 साल पहले तो बिल्कुल

महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में जैसे मैंने सुना था और सब चीज़ों के बहुत सारे हरि सिंह नलवा बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स जो देखे उनको लेके एक मन में रहता था कि भई जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं फिर बहुत सारी लेडीज़ जो हमारे सिखिज़म में बहुत सारी लेडीज़ को मैंने स्ट्रगल जो करते हुए देखा कि उन्होंने वॉरियर की तरह काम किया तो मैंने कहा जब पाँच साल पहले ये इस तरह के काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते और अब तो और ज़्यादा बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मेरे ये बात मन में खल गई कि ये इन्होंने कहा कि भी लड़कियाँ जो है लाइट ट्रेनिंग करती हैं सैलरी इक्वल लेती हैं तो मैंने कहा कि कोई नहीं हम पूरी मेहनत करके तुम्हारे इक्वल दौड़ के दिखाएंगे तुम्हारे इक्वल सब चीज़ें करके दिखाएंगे तो मुझे ये लगता था कि अब बॉडीली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा जी, ताकि जी, मैं इक्वल उनके करके दिखा सकूं एक्सरसाइज जो भी वो करते हैं वो करके दिखा सकूं तो मैंने सौ सौ दंड बैठक अपने रूम में लगाने शुरू किए बिना बताए जो है अंदर ही अंदर सब चीज़ें रनिंग स्टार्ट किया सब चीज़ करके चोरी छिपे सब चीज़ें करती रही और स्टडी भी चोरी छिपे करती रही इवन ये होता था कि मेरी रूममेट तक को नहीं पता होता था कि मैं क्या स्टडी कर रही हूँ रात को चोरी चोरी लैम्प की रोशनी में पढ़ती थी ताकि में है? आए, में आए, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी किस मिसिज बेदी उस टाइम मेरी एक मैंटोर भी थी तो वो हमारी पासिंग आउट परेड में आई तो जब उन्होंने देखा कि लड़की ने टॉप किया तो मैंने वो करके दिखाया जो मैंने जो एक स्टेग

ऑफिसर्स मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे आपके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो लेडी है ना जैसे सिंघम मूवी में एक वो है ना अजय देवगन तो जी, ये हमारे दिल्ली पुलिस की सिंघम लेडी तो एक कमला मार्केट पुलिस स्टेशन होता है जी जी और आपको पता ही है किस तरह का इलाका है वो पूरा वहां पर आपने उसको बहुत टॉप रैंक पर लाकर खड़ा कर दिया उस पुलिस स्टेशन को जी क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज थी जो आपको लगा कि ये चैलेंजिंग मेरे लिए और मुझे ये यहाँ पर बेस्ट करके दिखानी है परफॉर्म करना है, जी. अब आप है। जी, तो जी. आपको पता था कैसे अपनी बेस्ट टीम से आउटपुट मुझे लेना और है और अपने थाने को बेस्ट बनाना है बिल्कुल. उसका इंसिडेंट आप थोड़ा सा हाँ बिल्कुल वो मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरी कमला मार्केट पोस्टिंग हुई तो मुझे एक प्रेस रिपोर्टर ने फोन करके बताया कि आपके ना आपको एस एच ओ कमला मार्केट लगा दिया गया पहली बार तो जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई मुझे लगा कि किस पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग होगी गई वहाँ तो एक रेड लाइट एरिया है उन लोगों को साथ जाके किस तरीके से डील करना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं इसी कशमकश में रात गुजर गई अगले दिन मुझे ज्वाइन करना था जाके मैंने सारे ऑफिसर्स को मिलकर जब ज्वाइन किया तो वहाँ जा। जाके ये रहा कि मैं जब कमला मार्केट पहुँची हूँ तो मुझे लगा कि बहुत सारे पहाड़ मेरे आगे एकदम आके खड़े हो गए हैं और मुझे कैसे इनके साथ डील करना है तो मैंने अपने आप को कूल डाउन किया और कूल cool डाउन करके मैंने कहा कि मुझे अब इसको क्योंकि जब पोस्टिंग हो गई है तो चैलेंज एक्सेप्ट करने में तो मैं सबसे आगे रहती हूँ कि और ये जो आपने अभी नाम बताया ना सिंगम और दबंग ये दोनों तक में मुझे वहीं से मिले <laughs> उसी पुलिस स्टेशन से तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिसर ने मुझे बताया कि यहाँ की रेपुटेशन बड़ी खराब है सबसे पहले ये ब्लेम लगता है कि जो थाने वाले इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं वालों को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लेकर या किसी भी वजह से मतलब कोई छापा वाला है तो पहले तो इन्फॉर्मेशन इन, ले लीक कर देते हैं जिसकी वजह से वो लड़की को वहां से उस टाइम हटा देते हैं जिस रेड करने जाती है और उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है और सारी एन जो है वो फेथ नहीं करती थी पुलिस के ऊपर की हम जो लोकल पुलिस है उसको साथ लेके नहीं जाएंगे अभी किसी और जगह की पुलिस दे दो रेड करने के लिए क्योंकि जब भी हम लोकल पुलिस के साथ रेड करते हैं तो हमारा जो है वो जो पूरा मिशना वो मिशना फेल, हो हो फेल हो जाता है तो इस मिथ को तोड़ना क्योंकि अब आप ट्रस्ट कैसे करें कि आप जिन लोगों के बीच में जा रहे लोग तो वही है पुलिस वाले वही हैं तो आप कैसे उनके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन आप बिना उनको साथ लिए आप काम भी नहीं कर सकते और आपको उनसे काम भी लेना है और इन्फॉर्मेशन भी लीक नहीं होने देनी है तो मैंने ये पहले डिसाइड किया कि मैं शुरू में अपने ड्राइवर तक को भी खबर नहीं लगने दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो जो भी एन मुझे खबर देती थी कि भी ऐसे ऐसे फ्लाँ फ्लां ब्रोथल के ऊपर लड़की है उसको रेस्क्यू कराना है तो मैं जाना होता था जी रोड की तरफ तो मैं जानबूझ के राइट को मुड़ती थी कि जाके गाड़ी कहीं खड़ी की वहां अपने ड्राइवर को छोड़ा पुलिस की गाड़ी के साथ सीक्रेट मिशन के मेडिकल तो और उनके साथ एनजीओ के साथ उनकी कार में बैठी चुप करके जाके जीबी रोड पहुंच गई वहां पहुंचने के बाद जब ब्रौथल के गेट के ऊपर खड़ी हो जाती थी तो मुझे पता था कि अब गेट पे मैं खड़ी होगी तो किसी को बाहर तो निकलने दूंगी नहीं मैं तो वहां से फिर मैं जाके अपने स्टाफ को कॉल करती थी कि अब तुम आप यहाँ जाओ मैंने यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ पर ये जो है करना है ऐसे कर करके मैंने सबसे ज्यादा लड़कियां रेस्क्यू कराने का जो रिकॉर्ड आपके बारे में काफी आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें स्पेशली ये लिखा हुआ था कि भाई एसीपी uh, साहब ने सबसे ज्यादा गर्ल्स को रेस्क्यू किया जिनको इलीगल तरीके से इंडिया में लाकर या इंडिया के अलग अलग राज्यों से लाकर यहाँ पर जी, कराया जी, जा रहा है जैसे नेपाल की लड़कियाँ बहुत सारी थी आंध्रा से थी आ, आपके मध्य में ये अपना वेस्ट बंगाल से थी लड़कियाँ वहाँ तो वो सारी स्टेट से जो बेलाफ उस ला के ला के उनको जी बी रोड पर बेच जाते थे और एक एक लड़की को दस दस कस्टमर अटेंड करने पड़ते थे इतनी मिजरेबल कंडीशनस में वो लड़कियाँ वहाँ पर रहती थी कि एक बार ऊपर जाती थी तो वॉमिटिंग होने लग जाती थी इतना हालत ऊपर की ख़राब थी लेकिन धीरे धीरे करके जब सब लड़कियों को रेस्क्यू कराना शुरू किया

तब वो मैंने अन्ना हजारे जी पर और उनसे भी उनको मैनेज करना है प्लस उस, उस हाइट को भी मेंटेन है। भिल्कुल, भिल्कुल, एक ऑफिसर से मेरी बात हुई थी आपके बारे में पूछा कि मुझे कुछ आर्टिकल्स आपके पास हो तो मुझे शेयर कीजिए जी जी तो उन्होंने एक आर्टिकल मुझे शेयर किया उसमें बताया जब ह्यूमन uh, ट्रैफिकिंग पर आप काम कर रहे थे प्रॉस्टिट्यूशन में जो लड़कियों को अवैध तरीके से लाया जाता है इलीगल तरीके से लाया जाता है उस पर जब आप काम कर रहे थे तो बहुत सारी गर्ल्स ने बताया उनके मतलब उनके बारे में लिखा हुआ था कि वो आपको एज ए गॉड मानती हैं क्यों क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता था कि मैं ऐसी लाइफ में आ गई कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई बर्बाद हो गई बिल्कुल और जब आपने उनको उनकी लाइफ में वापस उसी दौर पर पहुंचाया उनके पेरेंट्स के पास एक नई दिशा की ओर तो वो आपको भगवान की तरह मानने लग गए आपकी पूजा करने लग गए आपके आपका फोटोग्राफ वो मंदिर में लगाने लग गए ये बहुत जी. मतलब ईश्वर का एक ऐसा वरदान होता है कि भाई आप को कोई एक भगवान की तरह पूजे तो समझ लीजिए आपके जीवन में जितना प्रयास किया वो सार्थक हो गया जी मुझे यही था कि मैं तो, क्योंकि जो जितनी भी लड़कियों को रेस्क्यू कराया मेरे मन में यही था कि इनको इनके डेस्टिनेशन तक इनके पेरेंट्स के पास इनको पहुंचाऊं और आपको मैं बताऊं कि मैंने पांच लड़कियों की उनमें से शादियां भी करवाई और उन्ही लड़कों से शादियां कराई जो जीबी रोड ब्रॉथल्स पर विजिट करते थे दोनों की फैमिलियों को कन्विंस करके ताकि वो अपना अगर उनका आपस में प्यार है तो वो शादी करें तो घर बसाएं और वो पांचों की पांचों आज अपनी हेल्दी लाइफ अच्छी लाइफ जी, जी रही हैं वो मुझे भगवान की तरह से पूछती हैं बहुत सारी ऐसी भेजा तो वो आज इसलिए में में पूजा करती कि हमें उस नर्क से मुक्ति दी आपने तो ये एक बहुत बड़े वो चीज थी तो इसीलिए मैंने जो मेन मेरा जो मेन था कि पुलिस में आने का जो मकसद था वो यही था कि मैं मेरे पास पावर है मैं ये मानती हूँ कि अमीर आदमी पैसे से काम करा लेता है गरीबा जो सिफारिशी है वो कहीं ना कहीं से सिफारिश लगवा के अपना काम कर रहा रहता है लेकिन जो लोअर तबका है जिसको जिसको कोई 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 सुनने वाला 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 नहीं जिसको कोई वाला नहीं नहीं जिसकी मानने हेल्प हेल्प करने अगर उसकी हम हम लोग सुनते हैं हैं बात उसके साथ हम करते हैं, तो वो जो ब्लैसिंग्स मिलती हैं वो एंडलेस ब्लैसिंग है आपके चेहरे पर वो नूर भी है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई एक एजिंग हो जाने के बाद या एक समय के बाद ना उनके चेहरे पर वो जो रुतबा है ना जो रौनक है वो थोड़ी सी कम हो जाती है पर जो लोग देश के प्रति समाज के प्रति लोगों के प्रति समर्पित होते हैं ना ईश्वर की कृपा से ना उनके चेहरे पर हमेशा वो नूर रहता है नूर रहता है तो वो एक ग्लो आपके फेस पर हमेशा झलकती है और Thank सच्चाई झलकती है आज का ये वीडियो बहुत सारे व्यूवर जो देख रहे हैं उसमें यंगस्टर्स भी हैं बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं हाउस भी हैं बिजनेस ओनर भी है क्या आप अपनी लाइफ के ऐसे पांच लर्निंग की पॉइंट्स आप देना चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाएं जी मैं सबसे पहले तो सारे अपने व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने टाइम तक ये सारा मेरा इंटरव्यू अगर वो सुन रहे हैं तो और आपके माध्यम से मैं उन सभी यंगस्टर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो लाइफ में पहली बात तो ये कि अपनी एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन लेने की कोशिश करें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जो चैलेंजेस उनकी लाइफ में आएँ उनको वो प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ जो गोल निर्धारित करें उस गोल को करने पाने के लिए जुट जाएँ उसके लिए मेहनत करें चाहे स्ट्रगल कोई भी रस्ते में आए कुछ भी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आती हैं उनको वो पार करते हुए आगे कोई भी काम मुश्किल नहीं अगर वो ठान लेता तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल वर्ड डिक्शनरी में भी नहीं है अगर बंदा ये सोच ले कि मुझे कुछ करना है तो मेरी लाइफ से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हर्डल्स टाइम टू टाइम आती रही हैं लेकिन मैंने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ करना है तो उन हर्डल्स को ऑटोमेटिकली क्रॉस करना मेरे लिए ईजी रहा और मैं करती भी रही दिक्कतें आएंगी लाइफ में बहुत सारी आएंगी आप हिम्मत भी हारने की लगे गा कि आप जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया आगे कुछ नहीं लेकिन उस टाइम में भी अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बना के क्योंकि अगर हमने हार मान ली तो हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते कभी जिंदगी में हार नहीं माननी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाकर आगे अपनी जो भी लाइफ के आपके गोल है उनको अचीव करने के लिए दिन रात एक करना है और कोई ऐसी चीज नहीं है लाइफ में जिसको आप अचीव नहीं कर सकते अगर आपने उसको दिल से ठान लिया है तो ये मेरा सभी को मैसेज है मैं अपने सभी व्यूवर्स को एक बात ये कहना चाहूंगा इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि फिर सब मन माफिक होगा ना घबरा भूचालों से एक राह निकल कर आएगी मत चिंतित हो सवालों से आज अंधेरा घना सही आगे कुछ भी दिखे नहीं कल रोशन होगा उजालों से और उसका जीता जागता उदाहरण है मैम जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के सामने भी घुटने नहीं टेके और हर समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते वो अपने जीवन में एक निष्कर्ष तक पहुंचे और एक उपलब्धि हासिल की आप भी अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं बशर्ते आपके अंदर वो जोश जज्बा और जुनून हो फ्रेंड्स लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मैम ए सी पी सुरेंद्रजीत कौर जी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं जय हिंद जय भारत शुक्रिया